अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेट स्टाइल एग की एकदम नई रेसिपी। ये एकदम नई रेसिपी है, इसे आज से पहले आपने ना देखा होगा ना ही खाया होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जी तो शुरू करते हैं आज की ये स्ट्रीट स्टाइल एकदम न्यू रेसिपी। देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम के करीब एकदम बारीक वाला बेसन। तो बेसन हमारा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब चावल का आटा और साथ में ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच के करीब नमक और 1/2 चम्मच ही हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हरा धना। देखिए इस रेसिपी में नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें इतनी ही डलेंगी। अब इन सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 बार चम्मच से और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। जिस तरह से हम आलू के पकौड़े बनाते हैं बस इस बेसन को भी हमें उतना ही गाढ़ा घोल लेना है। तो ये देखिए इतना ही गाढ़ा मैंने इसको घोल करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, तब तक के हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 अंडे लिए हैं, ये कच्चे अंडे थे तो इन्हें मैंने अच्छे से उबाल करके इनके छिलकों को निकाल दिया है और अब हम इनको कट कर लेंगे। देखिए कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जब भी वो कच्चे अंडों को कट करते हैं तो उनसे ये एकदम परफेक्ट शेप में नहीं कट हो पाते हैं, पर आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन अंडों को परफेक्ट तरीके से कट करने का, वो आज से पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा। अगर आप मेरे बताए हुए इस तरीके से अंडों को कट करते हो तो इंशाल्लाह आप सिर्फ 2 मिनट में ही ढेर सारे अंडे एकदम परफेक्ट तरीके से कट कर पाओगे। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से अंडों को कट किया तो ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी अंडा नहीं टूटेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की एक कढ़ाई ले लेना है जिसके दोनों तरफ से इस तरह से हैंडल हो, बस वही कढ़ाई आपने ले लेना है, छोटी या बड़ी कोई भी साइज की चलेगी। और उस पर आपने एक धागा बांध लेना है इस तरह से उसके दोनों हैंडलों पर। तो धागा आपने बिल्कुल बारीक वाला लेना है जिससे हम कपड़े सीते हैं ना, बिल्कुल वही वाला धागा आपने ले लेना है, सबसे बारीक वाला। और उस पर इस तरह से आपने एक उंगली की मदद से आपने धागे को ऊपर करते जाना है और इस तरह से बीच में से अंडे को कट कर लेना है। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट तरीका है अंडों को कट करने का, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ही इसे कट करके दिखाया है। क्योंकि जो अंडे वाले भैया होते हैं ना, जो अंडे के ठेलों पर लोगों को सर्व करते हैं अंडे उबाल करके, तो वो उन्हें इसी तरह से कट करके अंडे सर्व करते हैं और वो इतनी जल्दी करते हैं कि हम उन्हें देखते ही रह जाते हैं और वो ढेर सारे अंडे कट करके लोगों को सर्व भी कर देते हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं आपको दूसरा अंडा भी कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही हमारा अंडा कट हो चुका है और वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। तो देखिए इन सारे ही अंडों को मैंने इस तरह से बीच में से कट करके रख लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाला है और अब हम इसमें थोड़ा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी रेसिपी है अंदर से भी एकदम चटपटी बने। ये देखिए इस तरह से हम इसे थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। तो देखिए इन सारे ही अंडों में हमने अच्छे से मसाले लगा दिए हैं, अब इनको हम साइड में रख देंगे और अपने बेसन को चेक कर लेंगे। तो देखिए बेसन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो अगर आपका बेसन थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा। मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये हल्का सा पतला हो जाए। अब थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद हम इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब इन दोनों ही चीज़ों को हम साइड में रख देंगे और पुदीने और केरी की खट्टी मीठी सी चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो आज हम पुदीने और केरी की एक ऐसी ज़बरदस्त चटनी बनाएंगे जिसको आपने आज से पहले ना तो कभी देखा होगा और ना ही खाया होगा। इस खट्टी मीठी चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 1 बड़ी सी केरी और इसको मैंने छील करके इसे इस तरह से डाइस में कट करके रख लिया है। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे जीरा लिया है और 1/4 चम्मच मैंने लिया है नमक और 2 मुट्ठी मैंने यहाँ पे पुदीना लिया था, इसको भी मैंने धो करके रख लिया है और 4 से 5 चम्मच के करीब हमें इसमें शक्कर की ज़रूरत लगेगी। तो अब हम इस जार में केरी, पुदीना, जीरा और नमक सारी ही चीज़ों को एक साथ ऐड कर देंगे। मैंने इस चटनी में 4 से 5 चम्मच शक्कर का इस्तेमाल किया है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 1 से 2 चम्मच शक्कर और ऐड कर सकते हैं। तो रमज़ान के पहले आप इस चटनी को बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, 1 महीने तक ये चटनी ख़राब नहीं होती है। अब इस चटनी को हमें बिना पानी डाले एकदम बारीक पीस लेना है, अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 चाय के चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए चटनी हमारी एकदम बारीक पीस करके तैयार है और कितना बढ़िया हमारी चटनी का कलर आया है आप देख सकते हैं। तो अब इस चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर एक बार आप इस चटनी को बनाकर देखोगे ना तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट किए बिना नहीं रह पाओगे, ये चटनी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है।
चटनी तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। चलिए अब हम अपनी एग रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए ना मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, और ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम अंडे का एक एक पीस उठाते जाएंगे और इसको इस बैटर में डीप करके ऑयल में डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमें अंडे के एक एक पीसेस को उठाते जाना है और ऑयल में डालते जाना है। देखिए अगर इस तरह से अंडों को पलटने में अंडे की कोटिंग उतर जाती है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चम्मच में बेसन वाला बैटर ले और ऊपर से थोड़ा सा उस पर डाल दें। इससे क्या होगा कि आपको अंडे के छींटे नहीं लगेंगे। तो बस एक एक करके हम इन सारे ही अंडे के पीसेस को पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं कि हमारे अंडों का कितना बढ़िया कलर आया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं। तो अब एक एक करके हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस नई रेसिपी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। और अगर आपने अभी तक बेल बटन को प्रेस नहीं किया है तो आप उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए मैंने दूसरे बैच के अंडों को भी इसी तरह से फ्राई कर लिया है एकदम गोल्डन कलर में। तो जैसे ही हमारे अंडे अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो इनको हम निकाल कर उसी प्लेट में रख लेंगे और फिर मैं आपको इन्हें गर्मा गर्म सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी कितनी मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल अफ्तार रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस रमज़ान में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। देख सकते हैं कि हमारी इस रेसिपी का कलर कितना बढ़िया गोल्डन आया है। मैंने इसे हरी और लाल दोनों ही चटनियों के साथ सर्व किया है। ये दोनों ही चटनियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। हरी चटनी की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इस वीडियो में, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं लाल चटनी की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि स्ट्रीट फूड वाले इसे किस तरह से सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक अंडा ले लेना है और उसको इस तरह से रख कर उसे चाकू की मदद से हम इसके चार पीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस आपने जितने भी अंडे सर्व करने हैं उनके आप चार चार पीस कर लें। तो मैं यहाँ पे इस प्लेट में चार अंडे सर्व करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे चार अंडे लिए हैं, इसके मैं सभी अंडों के चार चार पीस कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इन चारों ही अंडों के मैंने इस तरह से चार चार पीस कर लिए हैं। अब इन पर हम सबसे पहले चटनियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर लाल चटनी डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी इन चटनियों को डाल देना है इन अंडों पर। अब हम इस पर हरी चटनी ऐड करेंगे थोड़ी सी। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप दोनों ही चटनियाँ डाल सकते हैं इसमें, जितनी भी आपको पसंद हो। हमारी दोनों ही चटनियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। एक चटनी हमारी थोड़ी सी तीखी है और एक चटनी हमारी थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी है। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब इस पर हम थोड़ी सी बारीक चॉप की भी प्याज ऐड कर देंगे। जिस तरह से हम ऑमलेट कट प्याज करते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसकी भी प्याज को कट कर लेना है। और इसके ऊपर से हम बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। और अब हम इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हरा धना भी ऐड कर देंगे। और लीजिए तैयार है हमारी स्ट्रीट स्टाइल अफ्तार रेसिपी। अगर आप इसका और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी सेव ऐड कर दें, या फिर आप इसमें बूंदी भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरी ये स्ट्रीट स्टाइल एग रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि केरी और पुदीने की ये खट्टी मीठी चटनी आपको कैसी लगी। तो इस रमज़ान में अफ्तार में इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए जी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।